बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत से रखे। नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं इटालियन आमलेट, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं आलू क्रश मैंने कर लिए हैं और धो के इनमें से सारा पानी मैंने आउट कर दिया, निकाल दी। हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, 3 से 4 अदद। आधा बाउल हरा धनिया, मोज़रेला चीज़ 1 बाउल, चेडर चीज़ 1 बाउल, गरम मसाला 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत 3 अदद, अंडे। चलें जी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन अदद अंडे ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे आलू में। हरा धनिया चला गया। सारे मसाले ये भी इनमें डाल देंगे। गरम मसाला था, सूखा धनिया, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च, मिक्स करते हैं। नाज़रीन, हमें आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तीन से चार चम्मच ऑयल लगाएंगे पैन में, डालेंगे। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ग्रीस कर दिया है। एक लेयर अब आलूओं की लगाएंगे। अब इसके ऊपर लेयर लगाएंगे मोज़रेला चीज़ की और चेडर चीज़ की। ये टोटल इटालियन आमलेट है। अब इसके ऊपर दूसरी लेयर लगा देंगे मिक्स किए हुए मसाले आलू। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, पैन चूल्हे पे रख दिया है। इसको भी एक साइड से ये पकेगा, ऊपर से कवर कर देते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी एक साइड जो है वो अच्छी सी पक गई है इटालियन ऑमलेट की। अब इसकी साइड चेंज करूँगी। जी हमारा आमलेट, इटालियन आमलेट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना प्यारा बना है और इतना ही मज़े का भी होगा। अब फ्लेम इसकी बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेंगे। हाज़रीन, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इटालियन आमलेट बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत प्यारी लुक है
आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा।